और धागे से दिल को प्रेम से बुनना जरूरी है। पाना है यदि कृष्ण के उस दिव्य प्रेम को तो भागवत कथा सुनना जरूरी है। समझ लीजिए, अगर भगवान कृष्ण के दिव्य प्रेम को पाना है तो भागवत कथा को सुनना बहुत जरूरी है। एक अकल्पनीय कल्प वृक्ष, थोड़ा सा चर्चा करते हैं कल्प वृक्ष पे। आप चर्चा ही रहे, कल्प वृक्ष आप सभी लोग जानते हैं। कल्प वृक्ष का अर्थ होता है जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। तो ये संसार एक कल्प वृक्ष है, सोच लीजिए। अब मन में विचार कैसे लाने होंगे, अब ये आप पर निर्भर करता है। सकारात्मक विचार लाएंगे तो हमेशा प्रसन्न रहेंगे, सत्य चित आनंद में रहेंगे। अभी चर्चा होगी आगे को। तो कहने का अर्थ है, जब भी आप कोई भी संसार सागर में विचार आपके मन में आ रहा है, विचारों पर चर्चा हो रही है, शब्द में भक्ति है, इसलिए कल्प वृक्ष रूपी संसार में रह रहे हैं तो निरंतर विचार कैसे होने चाहिए, सकारात्मक। सकारात्मक विचार ही हमारे जीवन को क्या करते हैं, प्रदार्पित करते हैं। सकारात्मक विचार का नाम भी कृष्ण ही है। एक बार कोशिश तो करो, प्रयास करो मन से उस डस्ट को हटाने की। जो डस्ट है, जो भय है, भय के एक बड़ी छोटी सी रचना आपको बताता हूं। गौतम बुद्ध का नाम आपने सभी ने सुना होगा। भगवान गौतम बुद्ध भिक्षा के लिए निकले हुए थे, तो जिस दिशा की ओर जा रहे थे उस दिशा पे अंगुलीमाल नामक डाकू जूता खड़ा था। आपको पता है अंगुलीमाल के बारे में हर कोई जानता है। तो उनके शिष्यों ने गुरुजी को रोका कि आप उस रास्ते पे उधर की ओर मत जाइए। लेकिन भगवान के मन में संकल्प था, मुझे तो उसी रास्ते से निकलना है। जैसे ही परमात्मा अंगुलीमाल के पास पहुंचे हैं तो अंगुलीमाल वो चल रहे हैं, रुको रुको इस तरह से बोलते हैं। उनके वस्त्रों की थोड़ा सा गरिमा उसके अंदर हल्का सा, क्योंकि उनका ऑरा मंडल बहुत स्ट्रांग था। वो कई किलोमीटर की रेंज से हृदय परिवर्तन कर देते, इतना स्ट्रांग उनका ऑरा था। ऑरा मींस हमारी लेयर, ऑरा मींस जब आप ताली बजाते तो देखते इस तरह से हमारे अंदर एक ऊर्जा है तो खींचती है। अगर आप हल्का सा अभी देख सकते हैं इतना ऑरा दूर से, दूर जितना आप प्योर होंगे, जितना आप सत्य को अपने अंदर धारण करेंगे, जितना आप परमात्मा को अपने अंदर अवतरित करेंगे, उतना आपका ऑरा क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप किसी भी प्रकार की किसी को भी ठीक करने की क्षमता, कोई भी डॉक्टर भी अगर हमें ठीक कर रहे हैं तो व्यवहारिक रूप से हमारे अंदर विश्वास आ जाता है। तो कहने का अर्थ है जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो रुकते हैं, रुको रुको दो तीन बार बोलते हैं तो रुक जाते हैं भगवान और बोलते हैं कि मेरा नाम अंगुलीमाल है और मैं जो भी यहां से गुजरता है उसकी अंगुली को काट के धारण कर लेता हूं। परमात्मा से एक ही शब्द बोलते हैं। सबसे पहले भय किसको नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा को कोई भय नहीं है। भय उसी को नहीं लगता है जिसने कभी भी किसी को डराया ना हो, वो अभय है। अभय की परीक्षा आती है जब आप भगवान को धारण करते हैं ना, जब आप हनुमान जी को धारण करते हैं ना, जब नरसिंह भगवान को धारण, नाम ले लो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना है, नहीं विश्वास है नाम पे, विश्वास है। तो भगवान ने कभी किसी को डराया नहीं था तो क्यों डरते है? तो भय किसको होता है, जो किसी को डराता है। तो जैसे ही भगवान कहते हैं कि एक पत्ते की टहनी को तोड़ो और उसको चिपका लो, तो वहीं पर उसी स्थिति में उसने एक बड़ी टहनी, पूरी टहनी काट दी, तो उसको चिपकाने में वो अक्षत, उसको चिपकाने में वो परिपूर्ण नहीं रहा, तो उसी समय उसका हृदय परिवर्तन हो गया। तो उसने अपने आप को किसके प्रति समर्पित कर दिया, परमात्मा के प्रति समर्पित कर दिया। आज मैं आपको बताता हूं, किताबों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान अंतर जगत में है। मीराबाई का नाम सुना होगा, सूरदास जी का नाम सुना होगा, सबसे बड़ी चीज है जिन्होंने रामायण दी है। डाकू थे, परिवार में गए, भैया कोई साथ देगा, सबने हाथ खड़े कर दिए।
भैया हम पाप के भागी नहीं बनेंगे। तो वहीं से वाल्मीकि क्या बने, जिन्होंने अकल्पनीय संस्कृत में, जो हमारी संस्कृति को प्रसिद्ध करता है। जब भी अवसर मिलते हैं कुछ ना कुछ विकास श्लोक मैं भी प्रयास कर रहा हूँ सीखने का निरंतर। परमात्मा ने हमें सुअवसर दिया और निरंतर शिक्षा के जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। तो जब एक डाकू, एक अकल्पनीय अद्वितीय जो आए नहीं है उनके बारे में अकल्पनीय रचना को मरा 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 करते ही राम 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 और अकल्पनीय रामायण, बहुत अकल्पनीय सुंदर काव्य रख दिया है। उसी तरह आपने अगर देखा होगा तो तुलसीदास जी के साथ भी ऐसी ही घटना घटित हुई है। एक शब्द से उन्होंने संपूर्ण रचना को अवतरित कर दिया है। अभी हम जब आगे चर्चा करेंगे तो अकल्पनीय चर्चाएं आएंगी। तो एक शब्द से, राम राम से संपूर्ण इतना सुंदर काव्य जिसे हम रामचरितमानस कहते हैं। सिर्फ पत्नी ने एक बार डांटा, उन्होंने कहा काम को छोड़ो और राम की शरण में जाके देखो। तो सारी चीजें छोड़ के राम की शरण में जैसे गए तो महाकाव्य देखे। तो हमारे अंदर अकल्पनीय शब्दकोश परमात्मा ने पैदा होने से, क्योंकि अहमिंद्रो न पराजिज्ञ, ऋग्वेद में एक बहुत अकल्पनीय शब्द है कि मैं शक्ति केंद्र हूं और जीवन में कहीं भी मेरी पराजय नहीं हो सकती। अब बताओ क्यों नहीं हो सकती है? जब आप अपने संबंधों को ढूंढेंगे, अंदर की ओर की यात्रा करेंगे, तो पहले कौन दिखेंगे? माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, पड़ोसी, अंतत्व गत्वा। जिस दिन आप सत्संग को उतारेंगे तो आपको कौन दिखाई देगा? जो पीछे खड़े हैं। हम किसकी संतान है? परमपिता परमेश्वर की। परमपिता परमेश्वर की संतान होने के नाते समस्त शक्तियां हमारे अंदर विद्यमान है। अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म सूत्र में लिख दिया है, बस सिर्फ जानने की कोशिश करो। सबसे पहले खुद को जानना है संसार में। जब अंदर की ओर जाओगे तो कई मुलाकात आपको अकल्पनीय रत्न मिलेंगे, अकल्पनीय मुलाकातें होंगी, सिद्धियां, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। ये सारी सिद्धियां हमारे अंदर विद्यमान है, कभी भी सिद्धियों में फंसना मत। भगवान के पास जाना तो भगवान से पैसे मत मांगना, पैसे बहुत मिल जाएंगे लेकिन शांति नहीं आएगी। आज की स्थिति है बहुत अकल्पनीय स्थिति है। मुस्कुराते रहिएगा, पहला तक तो ले लें, मुस्कुराए हमेशा। तो कहने का अर्थ है भगवान से जब भी आप जाएं, चर्चा बार बार आएगी, भगवान के पास जाएं तो भगवान को मांगें। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो, जहां भगवान कृष्ण है वहां पर ऐश्वर्य है, जीत है, अलौकिक शक्ति है। जहां जगदीश्वर आएंगे तो उनके चरणों में ही लक्ष्मी जी रहती हैं और पतित पावनी गंगा। कितना अकल्पनीय, कभी ध्यान तो लगाओ। जब आप हम लोग ध्यान लगाएंगे, देखो ध्यान लगाने से कई रास्ते खुलते हैं। जब आप भगवान का प्रति जुड़ते हैं ना, एक राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, या अपने इष्ट के प्रति, किसी को भी चुने, साधना ये नहीं कहती, साधना रोज कहती है कि जपो जपो, किसी ना किसी रूप से जो भी नाम आपको मिला है जपो। अपने ही नाम की मस्ती में आके तो देख लो, कुछ ना घटेगा आपका, आके तो देख लो। तो कहने का अर्थ है कि जब भी सुअवसर मिलता है तो इस कल्प वृक्ष रूपी संसार से हमेशा अच्छी बातों का अनुचिंतन करें। संस्कार शब्द चला है, संस्कार लास्ट दिन तक चलेगा। जैसा बीज बोएंगे वैसी संतति उत्पन्न होगी। सिर्फ अभी आप जब चर्चा सुनेंगे ना कि नारायण कहो नारायण कहो, तो प्रहलाद पैदा हो गया, सत्संग मिला। तो कहने का अर्थ है कि अपने अंदर निरंतर रस को खोजने की कोशिश करो। एक 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 अकल्पनीय छोटी सी रचना सुनाता हूं, एक अकल्पनीय बात है। एक बहुत ही परमपिता परमेश्वर के अनन्य भक्त निरंतर वृंदावन जाया करती थी, लेकिन उम्र के साथ साथ जाने में सक्षम नहीं रही। तो वहां के एक विद्वान थे, उन्होंने कहा कि आप अपने घर पे
भगवत गीता का पाठ करें और उसे सुने। वो हमारी तरह ही थी, हम भी कितना ही पढ़ लें, मैं भी बहुत सारी डिग्रियां बहुत, लेकिन वो सब क्या है, हमने नकल से प्राप्त किए, पढ़ा और लिख दिया। जिस दिन आप कुछ नया देके जाओगे संसार को, उस दिन आपकी पढ़ाई सार्थक है। तो जीवन में आप अपने अंदर से कुछ अच्छा देके जा सकते हैं। तो जैसे ही वो घर पे आती है, अब सक्षम नहीं है, उन्होंने एक बहुत अकल्पनीय प्रकांड विद्वान को बुलाया, पंडित जी को बुलाया, सारी व्यवस्थाएं करी, एक सुंदर सी पुस्तक भी मंगाई, और जैसे पुस्तक को सामने रखा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, बस इतने में ही पंडित जी को कह दिया कि मुझे इसका अर्थ बता। पंडित जी ने कहा कि धर्म क्षेत्र जब बोला तो मैया ने कहा आप अपनी इस पुस्तक को बंद कीजिए, ये आपकी दक्षिणा है। पूरी दक्षिणा दी, पंडित जी तो घबरा गए कि मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई है, लेकिन मैया ने पूर्ण दक्षिणा दी, एक ही शब्द में धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र। अपने अंदर धर्म को ढूंढें, जहां धर्म की रक्षा होती है ना, तो वहां निरंतर परमात्मा निवास करते हैं, निरंतर परमात्मा निवास करते हैं। तो कहने का अर्थ है, उसने सिर्फ एक ही शब्द सुना, धर्म क्षेत्र, और उस शब्द से ही जीवन में संपूर्ण समाधान प्राप्त हो जाता है। धर्म क्षेत्र कहते ही संपूर्ण गीता समझ में आ जाती है एक शब्द से। तो उस शब्द को अपने अंदर खोजने की कोशिश करें, किसी भी रूप में, जब भी अवसर मिलता है किसी ना किसी रूप से, मन बुद्धि और शरीर, तीन चीजें परमात्मा ने हमें दी। जब हम तीन चीजों को एक साथ निरूपित कर लेते हैं तब परिणाम मिलता है। यहां आए हो ना, तो कोशिश करो कि प्रांगण से बाहर सब भूल जाए, कोशिश करना। ये कैसे आएगा, जब आप निरंतर प्रयास करेंगे। एक दिन से नहीं आता है, 21 दिन किसी भी अच्छी चीज को स्वीकार करना है, 21 दिन आप राम 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 जब दो, 22वें दिन आपके अंदर बेचैनी हो जाएगी कि आज मैंने क्या नहीं किया। भोजन एक दिन नहीं करते हो, अभी करवा चौथ का व्रत आ रहा है, और दिन भर सोचोगे मुझे रस मलाई भी खानी है, ये भी खानी है, इससे बढ़िया तो व्रत ही मत करो। एक निर्जला व्रत आता है एकादशी का, दिन भर सोचते रहोगे पानी पानी पानी। जो डायबिटीज है ना, ये बीमारी नहीं है, ये सोच है। अगर आप मिठाई नहीं भी खा रहे हो ना, तो मिठाई का नाम सोच के तो डायबिटीज बढ़ जाएगी। एंजाइम, अभी आप यहां बैठे हो ना, तो नींबू को निचोड़ोगे तो आपके सम्मुख एक गिलास में पानी आ जाएगा। तो कल्प वृक्ष के साथ हम जुड़े हुए हैं। एक यात्री था ना, एक यात्री, चर्चाएं निकल रही है, तो आज सत्संग है, महात्म्य है, बड़ी अकल्पनीय चर्चाएं हैं, और सत्संग ही चलेगा, भगवत चर्चा करते हैं सत्संग की। तो एक यात्री एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहा था। अब सोच लीजिए कल्प वृक्ष की बात हो रही है, तो क्या होता है, थक जाता है बेचारा, और एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। भूखा होता है, प्यासा होता है, उसके मन में प्यास लगी होती है, तो मन में सोचता है कि काश कि यहाँ पर एक गिलास पानी होता तो मेरी प्यास बुझ जाती। सुंदर से चमचमाते गिलास में पानी आया, उसने पानी पिया और प्यास बुझ गई। फिर उसके मन में विचार आया कि यहाँ पर मेरे को भोजन भी प्राप्त हो जाता तो मेरी भूख मिट जाती। तो सुंदर से 56 भोग अभी लगाएंगे ना, अभी गोवर्धन पूजा होगी, तो 56 भोगों की थाली उसके सम्मुख आ गई। उसने उस भोजन को क्या किया, ग्रहण करके अपनी भूख को भी मिटाया। तदुपरांत उसके मन में एक विचार और आया कि काश यहां पर एक बिछौना आ जाता तो मैं आराम कर लेता। तो सुंदर सा, जैसे आप लोगों ने यहां बनाया है ना, अकल्पनीय सुंदर सा बिछौना आया मखमल का, और आराम से सो गया। सोते ही मन में क्या हुआ, मन में एक नकारात्मक विचार आ गया कि कहीं इस वृक्ष के नीचे कोई भूत तो नहीं है। जैसे ही सोचा, उस वृक्ष ने क्या किया, निगल लिया। तो कहने का अर्थ है, ये संसार क्या है, कल्प वृक्ष है। एक नकारात्मक विचार हमारे जीवन को क्या करता है, खत्म कर देता है, हम दोबारा से डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, टेंशन। टेंशन का अर्थ है 10 पुत्र पाल लिए अपने साथ में, एक सन पालो, उस सन को संस्कार दो। तो कहने का अर्थ है, कल्प वृक्ष रूपी अकल्पनीय शाश्वत सत्य को जानने वाली रचना को हम स्वीकार करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए। चलिए चलते हैं, चर्चा करते हैं, परमात्मा का अनुचिंतन करते हैं,
सत्चित आनंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय सत्चित आनंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णा वयम नमः। अब सभी लोग बोलेंगे सत्चित आनंद स्वरूपाय सभी लोग आनंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः श्री कृष्णाय वयम नमः श्री कृष्णाय वयम नमः श्री कृष्णा। संपूर्ण भागवत समाहित है, संपूर्ण भागवत। सत्य कौन है? कृष्ण। सत्य कहां निवास करता है? मैं बार बार चर्चा हुई है सत्य की, सत्संग ममाए। पहला शब्द परमात्मा क्या है? सत्य है, सत्य स्वरूप सत्य कृष्ण है। चित दूसरा शब्द आया, अभी सूर्य की चर्चा हुई थी ना, अंधकार को दूर कर देता है। प्रकाश भी कौन है? हमारे कन्हैया है। तो चित को जागृत करने के लिए अंदर की ओर जोड़ो। और आनंद, आनंद का अर्थ है इसका हम जन्म का मृत्यु, सुख का दुख, लाभ का हानि, अनुलोम विलोम बना लेंगे, लेकिन आनंद का कोई अनुलोम विलोम नहीं है। आनंद भी कौन है? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद जिसका नाम ही आनंद है, जिसका नाम ही आनंद है, उस रस को लेने के लिए हम यहां पर आए हैं। सत्य चित आनंद किसका नाम है? हमारे लड्डू गोपाल का, कृष्ण का। एक अकल्पनीय तत्व आपके अंदर उत्पन्न होना चाहिए। रस को ढूंढो, कहीं नहीं मिलेगा, अंदर मिलेगा। बार तापत्राय विनाशाय क्या करता है? तीनों तापों को, दैहिक दैविक भौतिक, तीन ताप हैं। और जो क्या करता है? उत्पत्ति करता भी है, विनाश करता भी है, पालन करता भी है। वो कौन है? कृष्ण ही है। वो क्या है? कृष्ण ही है। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। पूरी भागवत है, पूरी भागवत प्रथम श्लोक। अगर आप सत भी कह देंगे ना, तो निरंतर कृष्ण आपके सम्मुख होगा। भगवान अंतर ध्यान हुए हैं, भगवान जब प्रकट होते हैं ना,
तो ये जो साक्षात स्वरूप यहाँ पर रखा है इसके एक शब्द